हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है 7 मिनट ट्रिक चैनल पे, जहाँ पे हर दिन आपको एक नई ट्रिक मिलती है सीखने के लिए। तो आज वाला जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल्स के बारे में। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी हैं, बहुत सारे शेड्यूल्स भी हैं और बहुत सारे पार्ट्स भी हैं जो हम लोग याद करते हैं। बट पिछला वाला जो सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कुछ पार्ट्स के बारे में जो यूजुअली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी तरीके से आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं शेड्यूल्स के बारे में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले एक बार से ज़रा लिंक को कॉपी करो और अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। देखिए, जब हम बोलते हैं अनुसूचियाँ, यानी कि जब हम शेड्यूल्स की बात करते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी प्रेजेंट टाइम पर अगर शेड्यूल्स देखे जाएँ तो कितने हैं, 12 हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल कितनी आपको शेड्यूल्स मिलते थे, 8 थे। तो पहला सवाल तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था कितने शेड्यूल थे, और बाद में अगर अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो आपको कितने शेड्यूल देखने को मिल रहे हैं। अब देखो, इसमें सारे शेड्यूल देख लेते हैं और फिर इसको याद करने की ट्रिक क्या है। आई होप कि आपको ध्यान भी होगा क्योंकि मैंने इसको एक बार अपने टेलीग्राम पर शेयर भी किया था। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पे। देखो, पहला जो शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 1 के अंदर क्या लिखा गया है, द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी एंड इट्स टेरिटरीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली वाली अनुसूची है उसके अंदर राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करी गई है। शेड्यूल नंबर 2 पे आइए, जो दूसरी वाली आपकी अनुसूची है, इसमें आपको सारे अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं, यानी कि जो यहाँ पे नियुक्तियाँ करी जाती हैं वो आपको मिलेंगी शेड्यूल नंबर 2 के अंदर। जैसे कि राष्ट्रपति की हो गई, राज्यपाल की हो गई, स्पीकर की हो गई, तो इन सबका जो अपॉइंटमेंट है वो आपको मिलता है किसमें, शेड्यूल नंबर 2 के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शेड्यूल नंबर 3, यानी कि जो थर्ड आपका शेड्यूल है इसमें आपको क्या मिलेगा, ओथ एंड एफर्मेशंस। यानी कि जब भी किसी की नियुक्ति होती है, जब भी किसी को अपॉइंट किया जाता है, तो उनको शपथ लेनी होती है, ओथ लेनी होती है, एक प्रतिज्ञा लेनी होती है। तो यहाँ पे जो ओथ और एफर्मेशन है ये दिया गया है कौन से वाले में, शेड्यूल नंबर 3 के अंदर। चौथा वाला जो आपका शेड्यूल है, देखो ध्यान रखना, जो शेड्यूल्स होते हैं वो एक तरीके से कंपाइलेशन होता है। अब इसके अलग अलग पार्ट्स भी होंगे और इनको अलग अलग आर्टिकल के अंदर भी डिफाइन किया जाता है। शेड्यूल्स क्या है, ये एक आपको पर्टिकुलर चीज़ देखने को मिल रही है जिसके अंदर सारी सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, समराइज किया जाता है, ठीक है। अब देखो, जो फोर्थ वाला शेड्यूल है इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, एलोकेशन ऑफ द सीट्स, यानी कि आप ये यहाँ पे समझिएगा कि जो हमारी है उसके अंदर जो सीटों का विभाजन होता है, जो नंबर ऑफ सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है। क्योंकि राज्यसभा के अंदर जो सीटें डिवाइड करी जाती हैं वो किसके बेसिस पे होती हैं, पॉपुलेशन के, यानी कि जनसंख्या के आधार पर होती हैं। तो कौन से राज्य को कितनी सीटें मिलती हैं ये निर्धारित किया जाता है कौन से वाले शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल नंबर 4 के अंदर। अगर सपोज आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो कौन सा स्टेट के पास है, तो स्टेट कौन सा बन जाएगा, यूपी रहेगा। नेक्स्ट वाले शेड्यूल पे आओ, शेड्यूल नंबर 5। इसके अंदर अगर हम देखें तो क्या बात कही गई है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के बारे में बात हुई। लेकिन कहाँ का प्रशासन आता है इसके अंदर, तो जितने भी शेड्यूल्ड एरिया हैं और जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इन जगह का जो प्रशासन है वो आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर शेड्यूल के अंदर। अब क्या आप मुझे ये बताओगे कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक में बताया था, मुझे सिर्फ वो शॉर्ट ट्रिक जाननी है कि शेड्यूल नंबर 5 के अंदर कौन कौन से राज्यों को रखा जाता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। अगला देखो, शेड्यूल नंबर 6। शेड्यूल नंबर 6 में आपको देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, चलो आ गया यहाँ पे, ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये वाला जो है ये बात करेगा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासन के बारे में, लेकिन इंडिया में जितने भी शेड्यूल्ड एरिया हैं और जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज हैं सबको इंक्लूड करेगा। बट जो आपका यहाँ पे शेड्यूल नंबर 6 है इसमें सिर्फ आपको 4 ही राज्य देखने को मिलेंगे, और ये मैंने आपको याद कराया था किस नाम से, ATM स्क्वायर से, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ठीक है, ओके। अगला देखो, शेड्यूल नंबर 7 क्या कह रहा है, इसके अंदर बात करी जाती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की। यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे रेजिडोरी पावर के बारे में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे संसद में, हमारे जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, जो सब्जेक्ट्स हैं उन सबको अलग अलग डिवाइड किया गया, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि टोटल आपको 3 लिस्ट मिलती हैं, 3 सूचियाँ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पहली हो जाएगी यूनियन, जिसे हम कहते हैं संघ सूची, दूसरी हो जाएगी आपकी स्टेट, जिसे हम कहते हैं राज्य सूची, और जो तीसरी होती है इसे हम कहते हैं कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। अब ये कौन से वाले शेड्यूल में आता है, शेड्यूल नंबर 7 के अंदर, ठीक है, ओके। आगे चलो, शेड्यूल नंबर 8, ये तो आप सबको पता होगा कि ये बात करता है किसके बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, यानी कि हमारे संविधान के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं उन सबको समराइज करके लिखा गया है एक ही शेड्यूल के अंदर, और वो शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल नंबर 8 है।
इसमें टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो आपको टोटल लैंग्वेजेस मिलेंगी 22। ध्यान रखिएगा इसमें तीन और लैंग्वेजेस को जोड़ने की बात बोली गई है, बट पर्टिकुलरली यहाँ पे आप देखेंगे तो कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस मिलेंगी। अगला देखो यहाँ पे शेड्यूल नंबर 9, इसमें क्या आ जाएगा, इसके अंदर कुछ आपको पर्टिकुलर एक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि लैंड रिफॉर्म, यानी कि जो आपका भूमि अधिग्रहण वाला जितना भी कानून वगैरह होते हैं ना, वो सारे के सारे आपको इसी शेड्यूल के अंदर मिलेंगे, शेड्यूल नंबर 9 में। नेक्स्ट देखो शेड्यूल नंबर 10, इसमें क्या आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि जो दल बदल कानून है वो आपको एंटी डिफेक्शन लॉ मिलेगा, किसके अंदर, शेड्यूल नंबर 10 में। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो पार्टी को छोड़ता है, आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अलग अलग कंडीशंस भी हैं, अगर वो पार्टी को छोड़ता है तो उसके ऊपर यहाँ पे कानून काम करता है जिसके अंदर उस सदस्य की जो सदस्यता है वो समाप्त करी जा सकती है। नेक्स्ट देखो आपका 11th और 12th, दोनों में क्या है, इसमें बात करी जाती है पंचायत के बारे में, और ये जो 12th वाला है इसमें बात करी जाती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में, यानी कि नगर पालिका के बारे में। पंचायत में अगर हम देखेंगे तो टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, 22 होते हैं, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18। अब हमने सारे तो शेड्यूल देख लिए, लेकिन इसकी ट्रिक क्या है अब हम वो देखेंगे। देखो यहाँ पर टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम, कैसे याद करना है, टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम। अब देखो यहाँ से टी से क्या हो जाएगा, यूनियन एंड टेरिटरी, ई से क्या हो जाएगा, एनरोलमेंट, एनरोलमेंट का मतलब क्या हो गया, अपॉइंटमेंट करना, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा, एफर्मेशन, एफर्मेशन से मैंने अभी आपको बताया ओथ एंड एफर्मेशन। आर से क्या हो जाएगा, राज्यसभा के अंदर जो सीटों का विभाजन है वो हो जाएगा, और एस से क्या बनेगा आपका, शेड्यूल्ड एरिया, यानी कि शेड्यूल्ड एरिया और जो आपका ट्राइबल एरिया है वो। तो टीयर्स में आपने देखा कि 5 शेड्यूल यहाँ पे आके खत्म हो गए। आगे देखो ऑफ, ऑफ में आपको मिलेंगे 2 शेड्यूल। ओ से हो जाएगा आपका यहाँ पे कौन सा वाला, जो मैंने आपको बताया था ना कि जो बाकी आपको स्टेट मिल रहे हैं, यानी कि जो आपको 4 स्टेट मिल रहे हैं उसके लिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ओ, ओ से हो जाएगा अदर शेड्यूल एरिया। एफ से क्या हो जाएगा, फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ, मैंने अभी आपको बताया ना यूनियन स्टेट और कनकरेंट, ये जो अलग अलग आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम। फेडरल का मतलब हो जाता है जब राज्य जो है और संघ जो है इनके बीच में जब शक्तियों का विभाजन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, फेडरल के नाम से जाना जाता है। एल से हो गया लैंड रिफॉर्म, और डी से क्या हो जाएगा, एंटी डिफेक्शन वाले का डिफेक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओल्ड हो गया। पीएम से क्या हो जाएगा, पंचायत, एम से क्या हो जाएगा, म्यूनिसिपैलिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम, इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल हैं। अभी कैसा लगा और आपका इसका फीडबैक क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना होता है। इसके अलावा पूरे साल भर का अगर करंट अफेयर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अन अकेडमी पे। एसएससी के अंदर आपको ये बैच मिलेगा, जब आप ये बैच अवेल करोगे तो आपको कोड यूज करना है प्रति टेस्ट पे, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ।